क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के जो तीन क्वेश्चन बचे थे 3, 4, 5 और साथ में उदाहरण नंबर 18 को देखेंगे। जो पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाला, उसमें हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल जाने थे और त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले से देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम लोग 18 को देखेंगे क्योंकि 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो दो क्वेश्चन का समावेश। सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मींस पहले हम लोग रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 3 बार ली है। तो ये दो सवाल है, पहले हम यहीं पर ज्ञात करेंगे। तो आपको सारणिक का प्रयोग करके किसका ज्ञात करना है, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा। मान लेते हैं हम लोग ए और बी को जोड़ने वाली दो रेखा बना लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं ए 1, 3 और बी 0, 0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु इस रेखा पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम है x, y। ठीक है, समीकरण ज्ञात करें तो हम एक्स वाई ज्ञात रखना ही पड़ेगा। एक बिंदु तो लिखेंगे, माना कि बिंदु ए कॉमा वन थी, ए वन थी तथा बी 0, 0 को मिलाने वाली रेखा ए बी पर ए बिंदु पी, मान लेते हैं इसको पी एक्स कॉमा वाई स्थित है। ठीक है, अब ये तीनों बिंदु जब एक लाइन में है, तीनों बिंदु एक लाइन में हो गए, तो तीनों बिंदु एक लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चूंकि ए कॉमा बी तथा पी क्या है, संरेख है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि तीनों संरेख है, क्योंकि हमने माना है यहीं पर मिलाने रेखा पर एक बिंदु है, मैं इसमें एक सीधी रेखा पर जब संरेख होगा तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सारणिक 1/2, पहले बिंदु क्या है भाई 1, 3, दूसरे बिंदु क्या है 0, 0, तीसरे बिंदु क्या है एक्स कॉमा वाई और इधर हम लास्ट वाले में क्या लिख लेंगे 1, 1, 1। क्लियर, बराबर हम क्या लिख लेंगे 0। सॉल्व करते हैं 1/2 किसके सापेक्ष करें, बेहतर कौन रहेगा, तो R2 बेहतर रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं R2 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। थोड़ा खतरनाक हो सकता है, बच के रहिएगा R2 वाला, क्योंकि R2 में देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, याद रहेगा आपको। देखिए मैं इसे बोला R2 लेने थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस का होता है। तो देखिए सारणी 1/2, सारणी की इतनी जरूरत नहीं है, 1/2, चलिए R2 में पहला दिया 0 माइनस का होता है, तो 0 माइनस का 0 खत्म हो गया, छोड़िए ना माइनस लीजिए, प्लस दूसरा 0 होता है, दूसरा भी 0 है, ये भी प्लस का होता है, और तीसरा जो था माइनस का ए, ए का क्या हो जाएगा देख लीजिए 1, 3, x, y। ठीक है, 1 = 0, 1/2 माइनस एक तो माइनस 1 में y से 1y माइनस 3x, आगे माइनस है बराबर 0। 1/2 यहाँ गुणा में, अगर इधर 0 के पास भेजा तो भाग हो गए खत्म हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा माइनस माइनस गुणा हो, माइनस वाई प्लस 3x बराबर 0, तो 3x माइनस वाई बराबर 0, हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, यही समीकरण इस रेखा को मिलाने वाला एक समीकरण। ठीक है, तो लिख देंगे उपरोक्त यही समीकरण क्या लिख देंगे, क्या लिख कर जोड़ने रेखा का समीकरण है, समीकरण 1 रेखा AB को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु जो है वह डी K, 0 है, यहाँ पे मैंने x y माना था, अब d k, 0 है
जो इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है? तीन बार। फिर एक और यही पे सवाल एक और बन गया कि एक बिंदु ए और बी था, ए में क्या था, ए का तीन था और बी में क्या था, जीरो जीरो था, ये तो था ही। अब एक बिंदु और डी आपको मिल गया है जिसका मान है के कॉमा जीरो और एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ए बी डी और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तीन वर्ग इकाई है। लिखें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर तीन वर्ग इकाई, तीन वर्ग इकाई। ओके, ये तो आपको दिया हुआ है और डी का मान भी आपको दे रखा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला किससे पढ़े, सारणी से क्या पढ़े, एक बटा दो फर्स्ट मान, एक तीन दूसरा मान, जीरो जीरो तीसरा मान, के कॉमा जीरो और वन 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 लगा देंगे, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका मान कितना है, तीन वर्ग इकाई। तो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले कल वाले वीडियो में नोट में लिखवाया था, अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया हो तो उसका मान जब भी रखेंगे तो हम प्लस में भी रखेंगे और माइनस में भी रखेंगे, मीन्स इसका मान हम प्लस का भी रखेंगे और माइनस का भी रखेंगे, तीन, तीन वर्ग इकाई प्लस माइनस तीन, क्योंकि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना है, प्लस तक तीन है, तो हम प्लस में भी रखेंगे और माइनस में भी रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बटा दो वही किसके सापेक्ष, आर टू के सापेक्ष, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो और तीसरा प्लस का वन, वन का क्या हो जाएगा, वन थ्री के जीरो, वही हो जाएगा वन थ्री के जीरो और बराबर प्लस माइनस तीन, एक बटा दो, ये दोनों तो खत्म, एक से है ये माइनस का एक होगा, सॉरी माइनस का एक होगा, देखिए मैंने बोला ना, यही हम लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं, अगर हम आर टू के सापेक्ष चल रहे थे तो R2 में हम लोग ये माइनस ये प्लस और ये माइनस होता है, तो माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस एक में जीरो से करेंगे तो जीरो और तीन में से करेंगे माइनस का तीन की बराबर प्लस माइनस तीन, ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस तीन के बटा दो बराबर प्लस माइनस तीन। अब दो भाग में बांट देंगे, एक बार हो जाएगा तीन के बटा दो बराबर प्लस का तीन और एक हो जाएगा तीन के बटा दो बराबर माइनस का तीन। याद रखिएगा दो भाग में बांटिएगा जरूर, तो प्लस का तीन जब होगा तो के बराबर तीन ऊपर चला गया दो और नीचे आ गया तीन, तीन से तीन कट के बराबर आ गया दो, और अगर के का मान माइनस तीन होता है तो तीन के, के बराबर माइनस तीन ऊपर गया दो बटा आ गया तीन, तीन से तीन कट गया, के का मान आ गया माइनस का दो। इस प्रकार दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, इस प्रकार हमारा के का मान आ गया दोनों तरीके से, प्लस वाले तरीके से भी और माइनस वाले तरीके से भी, तो हम लोगों ने इसका के का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है, तो अतः के बराबर प्लस का भी और माइनस का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अच्छी तरीके से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको ना हो, एक बार हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको मिलाने में देखा का समीकरण लीजिएगा तो आप ऐसा चित्र बनाइएगा और एक बिंदु मान लीजिएगा इसके बीच में है और मान करके समीकरण बना लीजिएगा एक्स और वाई से लेकर, बस समीकरण बना दिए, बस समीकरण ही करना। दूसरा नंबर आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिएगा, और ज्ञात करने के लिए प्लस में भी रखिएगा और माइनस में भी रखिएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, के का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, अच्छी तरीके से बनाइएगा, प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीन ध्यान से देखिए, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल चार वर्ग इकाई है, चार वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, तीन शीर्ष बिंदु है, जैसे इसमें था तीन शीर्ष बिंदु था, ठीक है, और वर्ग इकाई कितना है, क्षेत्रफल का मान चार वर्ग इकाई है, मीन्स यहाँ पे प्लस तीन, तीन था वहां चार है, तो आप एक बार प्लस माइनस चार, एक बार प्लस का चार रखेंगे माइनस, प्लस माइनस चार रखेंगे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे दो भाग में बांट के एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे, कर लेंगे आप सभी। इसका जो फोर्थ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए थर्ड का ही सेकेंड नंबर है, इसमें भी कहा है क्षेत्रफल का मान चार है और आपको किसका मान, के का मान ज्ञात करना है, सेम टू सेम यही सवाल, इसमें भी आपके तीन बिंदु थे, इसमें भी तीन बिंदु आपको मिलेंगे, इसमें बराबर में तीन रहे है, उसमें बराबर में प्लस माइनस चार रहेगा, फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर सेम टू सेम आपका यही बन जाएगा, ठीक है।
इसके जो नेक्स्ट है चार का एक जो है उसमें देखिए क्या है, सारणिकों का प्रयोग करके एक दो और तीन छह को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें। फिर वही बात, मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो मैंने बोला माना कि बिंदु जो आपको दो दिया रहेगा उसमें मिलाने रेखा के लिए आप एक बिंदु मान लेंगे पी एक्स वाई मान लेंगे जो उसके ऊपर स्थित है, तो ये संरेख होंगे, संरेख जो इसका क्षेत्रफल का मान जीरो होगा, उसको सॉल्व कर देंगे एक समीकरण प्राप्त होगा, यह कौन सा समीकरण होगा, मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा, मैं सभी तक होमवर्क बहुत मिल चुका है, होमवर्क में आपको मिलेगा तीसरा का फर्स्ट नंबर भी हो गया, तीसरा का सेकेंड नंबर भी हो गया, फिर चौथा का फर्स्ट नंबर भी हो गया। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चौथा का सेकेंड नंबर देखिएगा, सारणिकों का प्रयोग करके तीन एक और नौ तीन को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करने से इसमें भी वही सेम टू सेम समीकरण आपको ज्ञात करना है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सेम टू सेम आपको समीकरण ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब लास्ट जो आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि शीर्ष दो माइनस छः पाँच चार और के चार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करें। मीन्स यही वाला सवाल आपके पास यहाँ 35 वर्ग इकाई है, इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा 35 वर्ग इकाई को प्लस एक और माइनस से दोनों से कट के सॉल्व कर लीजिएगा तो के का मान ज्ञात हो जाएगा। मीन्स पाँचवा नंबर भी आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास आज का जो काम है ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला कि एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, इसी में दोनों तरीके का रहेगा, आप देखिए आराम से बाकी के पांच क्वेश्चन कर लेंगे, तो अच्छी टाइप से आप इसको पहले बना लीजिए, तब बाकी के जो पांच क्वेश्चन है जो आपको मैंने होमवर्क दिया उसको आप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही होगी तो मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जैसे शेयर करें।